अटैक जैसे कोई मिठाई की दुकान पे आप गए और मिठाई खाई और वो कड़वी है तो वो एक तरह का अटैक नहीं है ऐसे ही किसी को कुछ ऐसा बोल देना हो जिसकी वजह से उसको पेन हो डेट इज वर्बल अटैक कुछ लोग हैं जिनमें करेज होता है ऐसा कुछ करने का लेकिन उसके रेपोक्शन भी होते हैं और उनके साथ जो हुआ वो सिर्फ वही जानते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ बोला और उसको जेल हो गई तो जेल एक्चुअल में क्या होती है में आपसे बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कुछ को ही पता होगा कितनों को पता है <laughs> ऐसा सवाल था मैं भी क्या पूछ लेता हूं तो शक्ल से क्रिमिनल्स लगते हो पूछने की क्या जरूरत है <laughs> तो सच की क्या इंपॉर्टेंस है सच बोलना इतना जरूरी नहीं है सच देखना और समझना जरूरी है नहीं तो आप खुद झूठ में जी रहे हो दैट इज बिगर प्रॉब्लम क्योंकि अगर आप सच जानते हो तो एटलीस्ट आप झूठ की तरफ नहीं हो सच की तरफ हो लेकिन बता नहीं रहे हो क्योंकि तो बताया तो गड़बड़ हो जाएगी मानो सौ में से एक आदमी है जो सच की तरफ है बाकी निन्यानवे है जो झूठ की तरफ है तो उनके झूठ को जैसे ही क्वेश्चन किया जाएगा वो निन्यानवे मिल करके उस एक को मार देंगे सूली पे लटका देंगे पास में हुआ ही ऐसा अभी भी होता है तो उसमें क्या करना होता है खुद सच देखना होता है और इस दुनिया में टैक्टफुली समझदारी से स्किलफुली एक्ट करना होता है अगर कोई आपसे बहुत ज्यादा पावरफुल है और उससे लड़ने लग गए तो आप बेवकूफ हो तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप झूठ में जीते हो तो झूठ का कोई अंत नहीं है झूठ का कोई एंड होता है क्या झूठ मतलब क्या एक कहानी एक नैरेटिव झूठ कुछ भी हो सकता है कि यहां पर एक शक्ति है जिसको मैं देख पा रहा हूं आप लोग नहीं देख पा रहे अब यह क्या सच है झूठ है

जो आपकी जिंदगी बदल सकती है जो भी आपको चाहिए आपको मिल जाएगा उससे आपको सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ करके बैठे रहना है अगर थोड़ी देर तक मैं ये करूं ड्रामा तो आप भी सारे शुरू हो जाओगे आप कहोगे यार ये बंदा कह रहा है गलत थोड़ी ना होगा इसके इतने करोड़ फॉलोअर्स हैं ये यहां बैठा है हम वहां बैठे इसमें कुछ ना कुछ तो होगा ये हंसने वाली बात नहीं है सुबह से रात तक ऐसे ही जी रहे हो सच का तो कोई अतः पता है ही नहीं सच से कोसो मील दूर है हम अपने आइडियाज में जी रहे हैं कॉन्सेप्ट में जी रहे हैं मेंटल कंस्ट्रक्ट बोलते हैं इसको अपने माइंड में एक दुनिया बनाई हुई है एक पास्ट है आपके माइंड में विच इज मेमरी और एक फ्यूचर है जिसको इमेजिनेशन बोलते हैं इसके अलावा जी कहां रहे हो कभी अपने आपसे क्वेश्चन पूछते हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जियो प्रॉब्लम यह है कि इसका कोई एंड नहीं है फिर आप यहां पर आकर के क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये जो हमारा माइंड है वो बहुत ही रेस्टलेस है ओवर थिंकिंग चलती रहती है ऐसे ऐसी फीलिंग्स उठती रहती है ऐसे ऐसे इमोशंस आ जाते हैं जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है मेरे पास में सब कुछ है यानी एक टाइम पर सोचता था कि एक अच्छी सी जॉब हो जाएगी तो मजा आ जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा आज सब कुछ है लेकिन इस माइंड ने धज्जियां उड़ाई हुई है लाइफ की ऐसा होता है नहीं होता है माइंड में जाकर के एंटेंगल्ड हो जाते हो ना क्यों कभी पूछा है अपने आप से क्योंकि ना तो इमेजिनेशन का कोई एंड है कहां तक इमेजिन कर सकते हो कुछ भी इमेजिन करते रहो और इमेजिन करके डरते रहो उसका क्या एंड है कैसे बचोगे उससे सोचा है कभी देखो दो ऑप्शंस है ध्यान से समझना एक है कि आप बिल्कुल ही बेवकूफ हो तो बोलते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस जैसे जानवरों के लिए खुद के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने एक जानवर को पाला है तो जिसने पाला है उसके लिए प्रॉब्लम है जानवर तो इनोसेंट है उसको तो अपना पेट भरने से मतलब है जब तक खाना मिल रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है रहे चले जाएगा बहुत लोग ऐसे ही होते हैं सोचने समझने की शक्ति नहीं है क्योंकि सारी प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब सोचने की शक्ति तो है लेकिन सही सोचना नहीं आता है अगर आपकी थिंकिंग झूठ पर बेस्ड है तो आपको कंट्रोल करना बहुत आसान है कोई भी आकर के आपको कुछ भी बोल देगा और आप उसके बहकावे में आ जाओगे और आप उसके वश में हो जाओगे जब भी आपका टाइम खराब होगा तब और टाइम कब खराब होता है हमेशा ही खराब होता है टाइम अच्छा कब होता है आप में से कौन है जिसकी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम चल रहा है हाथ ऊपर करना जरा ज्यादा टाइम तक तो रहने वाला नहीं है सब कुछ अनित्य है यानी सब कुछ टेम्प्ररी है अच्छे के बाद बुरा आता है बुरे के बाद अच्छा आता है बट जो हमारी अंडरलाइंग स्टेट है वो बुरी ही होती है क्योंकि जो मिल जाता है वहां पे ध्यान नहीं जाता है जितनी सैलरी मिल जाती है वहां पे ध्यान जाता है या जो नहीं मिली है उस पर ध्यान जाता है या जो साथ वाले को ज्यादा मिल गई है वहां ध्यान जाता है जो अभी हेल्थ परफेक्ट है वहां ध्यान जाता है मतलब हाथ पैर आंखें कान नाक सब कुछ सलामत है वहां ध्यान जाता है या हल्का सा दांत में कहीं पे दर्द हो रहा है वहां ध्यान जाता है समझ गए क्या होता है दिस इज लाइफ तो अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं प्रॉब्लम्स दो तरह की है एक है फिजिकल एक है साइकोलॉजिकल फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए क्या चाहिए पैसा चाहिए कैसे चाहिए वो आप अपनी कैपेबिलिटी देखो अपना फैमिली बैकग्राउंड देखो अपनी सिचुएशन देखो खुद सोल्यूशन निकालो उसमें मैं या मेरे जैसा कोई भी कुछ नहीं कर सकता और जो आकर के आपको कह रहा है कि मैं आपकी लाइफ बदल दूंगा तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है इस बात को समझ जाओ जितनी जल्दी समझ सकते हो उतनी जल्दी क्योंकि कोई भी आपको पैसा कमा करके नहीं देगा आपकी बड़ी गाड़ी आए ना आए उसकी बड़ी गाड़ी पक्की है अगर आप उसकी बातों में आ गए तो, तो ये दुनिया बहुत ही कनिंग है बहुत सेल्फिश है पूरी तरह से अंदर से करप्ट है करप्शन आप लोगों की हमारी सबकी नस नस में दौड़ रहा है यहां पर कितने जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं चलो मान लेते हैं कि अभी आप तैयारी कर रहे हो और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है वहां पर कुछ बहुत गलत होते हुए देखते हो जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं आकर के अपने घर में बात करते हो अपने पेरेंट्स से कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या मैं आवाज उठाऊं क्या मैं कुछ बोलूं किसी को कंप्लेंट करूं क्या मैं उनसे लड़ूं तो आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे इग्नोर कर दो क्या फर्क पड़ता है अपने काम से काम रखो तो क्या आपके पेरेंट्स कर नहीं है तो वो जो आपके सबसे क्लोज है इस दुनिया में वो जिन पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो अगर वो ही करप्ट है तो बाकी दुनिया का तो छोड़ ही दो बाकी दुनिया तो बेच के खा जाएगी आपको तो इस दुनिया में यू नीड टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल एज फिट एज पॉसिबल क्यों इसलिए नहीं कि सामने वालों को डोमिनेट करना है या अपनी उस पावर को अपनी उस पोजिशन को यूज करना है सामने वालों को दबाने के लिए उनको डराने के लिए उनका टॉर्चर करने के लिए इसलिए नहीं इसलिए कि ये दुनिया आपका टॉर्चर ना कर सके ये दुनिया आपको ना दबा सके ये दुनिया आपका नाजायज फायदा ना उठा सके इसलिए यू नीड टू बी एज फिट एज यू कैन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज